एवरीवन, गुड इवनिंग. मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 8:10, तो ना तो गुड आफ्टरनून बोल सकती हूँ, ना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भी नहीं, क्योंकि मैं भी सो नहीं रही. तो गुड इवनिंग. तो कल हम लोग जाएंगे एक और ट्रिप पे अपने स्कूल के साथ. तो कल मैं जाऊँगी अपने स्कूल के साथ एक ट्रिप पे, और वो ट्रिप कहाँ की होगी, कैसी होगी, बताई देती हूँ. तो आपको पता नहीं, रैपिड रेल स्टार्ट हुई है. जो रैपिड रेल स्टार्ट हुई है, ये बुलेट ट्रेन तो नहीं है, रैपिड रेल जो है. तो कल हम जाएंगे इसमें. हम तो ब्लॉग को एंड तक देखना. लंच बनाने के चक्कर में पता नहीं कैसे मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ. तो हम चल के नहीं जाएंगे, हम भाग के जाएंगे. सच में मैम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, और बस यही प्रे कर रही थी कि मैं फटाफट रोड क्रॉस कर लूँ, वरना सबसे ज़्यादा टाइम ना रोड क्रॉस करने में लगता है. तो फाइनली रोड क्रॉस हो गई थी, और मैं बैठ गई थी टुक टुक में, और फिर ऑटो चलने लगा. और मतलब जब भी तो आप लोग बाहर जाओ ना, पूरा फेस मुंह वो सब कवर करके जाओ, बहुत ठंड है. अब पहचान तो लिया होगा. तो यार मैं बहुत लेट पहुंची हूँ स्कूल में, बहुत ही ज़्यादा लेट. सैलरी तो पक्का कटेगी, बट कोई बात नहीं. और पता है, मतलब इस टीचिंग में ना सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है, बच्चों के बहाने हम भी घूम लेते हैं, ठीक है. मतलब मैं वैसे नहीं जाती, मतलब रैपिड रेल मेरे घर के एकदम जस्ट पास है, बट अगर स्कूल नहीं लेके जाता तो मैं नहीं जा पाती, क्योंकि मेरा कहीं आना जाना होता ही नहीं है. बट आज हम जाएंगे, तो पूरा व्लॉग एंड तक देखना. ट्रिप पे जाने के लिए ना बच्चों की एक्साइटमेंट अलग लेवल की ही थी. सब बच्चे कूद के आ रहे थे, हंसते हंसते आ रहे थे, और वो उनको देख के हम भी खुश थे. हेलो एवरीवन, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आर यू एक्साइटेड? ओके. इसके बाद हमने बच्चों की लाइन बनवाई, उनका लंच करवाया ताकि उनको रास्ते में भूख ना लगे, और फिर हमने भी लंच कर लिया. ट्रिप पे तो हम गए नहीं अभी तक, उससे पहले हम खाना खा चुके हैं. पूरा फिनिश कर लिया था हमने. आप कल आई थी? आलू के पराठे. यार बहुत टेस्टी आलू के पराठे लाए थे, पता, पूरे बटर वाले और हरी चटनी के साथ और केचप के साथ. सब बच्चों को बस में बैठाकर हमने करी अपनी ट्रिप की जर्नी स्टार्ट, और फिर हम फाइनली पहुंच गए थे दुहाई स्टेशन, जो रैपिड रेल का स्टेशन है. उसके बाद हम लेके गए बच्चों को ऊपर अंदर. मतलब बहुत ही सेफ्टी के साथ जाना होता है बच्चों के साथ, स्पेशली ऐसी मतलब ओपन पब्लिक प्लेस में, कि कोई बच्चा खो ना जाए. तो हमने बहुत अच्छे से उनको मैनेज करा हुआ था. फिर हम लिफ्ट में ऊपर गए, और मतलब यहाँ का स्टेशन बहुत अच्छा था, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, कुछ भी गंदगी कहीं पर नहीं रखी हुई थी, हर जगह डस्टबिन थे. और ये मेरा पूरा स्कूल, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि मतलब टिकट का प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें. ये टिकट काउंटर था, और फिर अब हम लोग जाएंगे चेकिंग के लिए. पहले यहाँ पे जाने से पहले बच्चों को समझा रहे थे रैपिड रेल के बारे में. वैसे रैपिड रेल का नाम है नमो भारत एक्सप्रेस, लेकिन इसको रैपिड रेल के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद ट्रेन में एंटर होने से पहले हम लोगों ने करी चेकिंग. और वहाँ पे हर वॉल पे बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई थी. स्टेशन पे पहुँचने के बाद फिर हम लोग गए फाइनली प्लेटफॉर्म पे. और प्लेटफॉर्म मतलब हम लोगों ने प्रीमियम वाला बुक किया था, हमारे जो सर हैं उन्होंने, ताकि सारे बच्चे सेफ रहें. उसके बाद एक ट्रेन आ गई, हमें लगा कि हमें इसमें जाना है, बट हमें इसमें नहीं जाना था, तो इसलिए हमने फिर सब बच्चों को पीछे 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 करा. बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मतलब ट्रेन में बैठने के लिए, बट हमारी ट्रेन अभी नहीं आई थी, तो उनको वेटिंग एरिया में बैठा दिया. तब तक मैंने शूट करा स्टेशन का सराउंडिंग, और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी. उसके बाद रैपिड रेल का बटन हमने प्रेस करवाया अपने एक स्टूडेंट से, और फिर हम लोग गए ट्रेन के अंदर. बहुत सारी सीट्स थी, मतलब बैठने की बहुत ज़्यादा सारी जगह अवेलेबल थी, तो कोई भी खड़ा होकर जा ही नहीं सकता. वैसे तो ये अभी इस टाइम खाली है, बट अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जब पूरा स्टेशन ये बन जाएगा मोदी नगर तक और नोएडा तक, तब सब लोग आराम से जा सकते हैं इसमें. मतलब यार मेरा भी ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार रैपिड रेल में बैठी हूँ. तो क्या यार मक्खन चल रही है ना, तो नहीं मतलब स्मूथ एकदम बटरी वाली फील आ रही है, और मेट्रो से भी बैठी सच में बहुत.
तो फिर अपना रैपिड रेल का एक्सपीरियंस लेके हम सब लोग आ गए स्टेशन से बाहर, और फिर हम सब लोगों ने इंजॉय करा बहुत ज़्यादा, बच्चे भी बहुत खुश थे। Did you enjoy the trip? Yeah! How much? How much? Very much! फिर हम लोगों ने एक लिए ग्रुप फोटो और ग्रुप वीडियो मैंने बनाई। ये सारे मोमेंट्स ना मुझे याद रहेंगे। उसके बाद जब हम वहाँ से निकल रहे थे लाइन बना के, तो हमें ना रैपिड रेल का जो स्टेशन था उनकी तरफ से हमें मिली थी एक चॉकलेट डेरी मिल्क की और ये फ्रिज मैग्नेट, सबको मिला था, बेचारे इन टीचर्स को नहीं मिला था, तो फिर ये लोग अपने लिए लेने के लिए गए थे। उसके बाद ना मैंने क्या करा, मैंने सब बच्चों की चॉकलेट ले ली और फिर मैं अपने घर चली गई। वाओ, काश ऐसा होता, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सारी चॉकलेट्स इन लोगों की ही हैं और जब हम स्कूल पहुंचेंगे तब इन लोगों में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, वरना ये लोग सब पूरी बस में खाते खाते जाएंगे और फिर पूरी बस गंदी हो जाएगी। उसके बाद अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर भी करना। बाय बाय।